मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं कर्नाटक से हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद रिया मोहम्मद नवाज़ तो इधर ही मुकामी था, वो 6 साल से इधर एजुकेशन था उसका। मैं कर्नाटक में था, मैं भी आके 2 साल हुआ। अचानक कल रात में मेरे को फ़ोन आया, 10 बजे फ़ोन आने के बाद ऐसा मार पड़ा, मेरे बेटे गिर गया बोल के बोले। फिर मैं आने के बाद जाके उस्मानिया हॉस्पिटल में देखा तो उसका दम चलेगा, मतलब वो डेथ हो गया था। फिर मैं मेरे को कैसा डेथ हुआ कद बोल के पूछा तो सिर्फ क्या बता रहे मेरे को, जाके नमाज के बाद तरावी के बाद ग्राउंड में खेलने गया, गिर गया। इतना दूसरा कुछ भी बोले नहीं, डॉक्टर्स भी बोल रहे नहीं या मुकामी भी कौन भी बोल रहे नहीं, जो ग्राउंड में कौन बचे थे उन्होंने भी अभी तक नहीं बोल रहे। तो स्टेशन जाने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बोले मोहल्ले वाले, तो केस बुक मत करो FIR, और उसके बाद क्या बोलते हो क्या पोस्टमार्टम भी मत कराओ बोले। 3:30 बजे तक रात को तक बोले, तो हमारे चाचा आके क्या बोले, इंसाफ तो होना मेरे बेटे को। उसके बाद मैं इमीडिएट FIR कराया। FIR कराने के बाद पोस्टमार्टम को आज 10 बजे बुलाए, जाने के बाद 5 बजे पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट तो नहीं दिए और मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। मैं इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ मुझे दिलाइए। आपको क्या मालूम है कैसा मारा आपका बच्चा वाला? कैसा मारा का गिर गया बोल के बोल रहे, तो उसको मार पड़ा मैं देखे हूँ, गाल पे मार पड़ा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी तक नहीं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए बाद केस फाइल होता बोल रहे। नहीं मुझे तो कन्फर्म है उसे मारे। कौन बोले आपको मारे? नहीं मैं उसे देख के बोल रहा हूँ मारे बोल के। कोई भी बच्चा गिर के कभी भी मरा नहीं, वो हेल्थी था। मालूम ये हो रहा कि आपका बच्चा जो है टाइम पे खाना नहीं खाते थे, रोजा रहने की वजह से कमजोर हो गया था बच्चा। तो इफ्तारी के बाद कुछ ना कुछ फल तो खा लेते ना। इन्फॉर्मेशन ये आई कि अब बच्चा कमजोर हो गया था। नहीं अभी वो खाना नहीं खा रहा था बोल के कौन देखे, सहरी तो कर रहा था। इफ्तारी के बाद मस्जिद में खाना मतलब कुछ फल तो इफ्तारी होता ना। तो मालूम आ गया बच्चे को मारे खेलते खेलते गिर गया, कुछ मैंने मालूम आ गया? नहीं मालूम हुआ नहीं, उसे मारे मुझे इंसाफ कैसा पता चला आपको मारे बोल के? उसे मार पड़ा मैं देखी हूँ, गाल पे मार पड़ा और कमर पे मार पड़ा था। कल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब हाथ से मुक्के से मारते ना, ये पूरा यहाँ मारे उसको। उसकी फोटो नहीं लिया कुछ आपका? नहीं कुछ आज पोस्टमार्टम गए थे, मैं फोटो लिया हूँ। हाँ ठीक है आप बोल दीजिए कि हम फोटो ले। वो मैं अंदर गया, पहले जो फोटोस लेते हैं ना उन्होंने, मैं एक फ़ोटो ले लिया। तो यहाँ मार पड़ा उसको, कल भी हॉस्पिटल में देखा था उस्मानिया हॉस्पिटल में। आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कौन बोले? कॉम्प्रोमाइज नहीं, मोहल्ले वाले कई को ये मतलब पोस्टमार्टम कराते बोल के बोल रहे थे। मारने वाले बच्चे यहीं के हैं बाहर के? तो खेलने कौन है यही के ना, तो मुझे क्या हो ना उन्हें कैसा गिरा, तो साथ में कौन कौन थे मुझे वो एक बोले बस, मुझे इंसाफ होना उतना। नहीं कन्फर्मेशन जो थे उन्होंने नहीं आ रहे ना अभी तक, ग्राउंड में मैं था इसके साथ बोलने वाले नहीं आ रहे ना, मुझे उन्होंने होना। ग्राउंड में 4 लोग हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, गिर के कैसा मरते आप बताइए सर, गिर के कोई मरा? नहीं खड़े गिर के मरता तो हेल्थ इश्यू रहे तो मरता। एक मिनट पुलिस स्टेशन में क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोले, FIR करो बोले थे मेरे को। हम लोग गिर गया बोल के आप लोगों कौन बोले? आप तो प्रेजेंट नहीं थे ना? नहीं नहीं हमारे साढ़ू साहब मतलब हॉस्पिटल ले गए ना, जब से पूछ रहा हूँ सब लोग बोल रहे खड़े खड़े गिरे, अभी भी बोले अभी भी खड़े खड़े गिरे। मारे मैं तो कन्फर्म शक देखे, मार के निशान है मैं देखा गाल पे। फोटो भी है मेरे पास है, पोस्टमार्टम जब गया ना अंदर मैं फोटो लिया। क्या लगता आपको कहीं कोई बच्चे से कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं वो तो मैं नहीं जानता, मैं तो 2 साल के बाद आया हूँ, लेकिन दुश्मनी है क्या दोस्ती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसे मारे सो मुझे गारंटी दिख रहा है। मुझे मेरे तक नहीं आया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ये है कि मस्जिद में कुछ आपस में बच्चों का झगड़ा हुआ तो मस्जिद के मुसल्लिया जाकर, तो मुझे ये तक इन्फॉर्मेशन आया कोई गाड़ी वाला उसके बाइक ले लेके जाकर उसके पैर पे चढ़ाया, तो उसको थोड़ा इन्हें धक्का दिया तो उतर के मारा बोल के आज बोले मेरे को। नहीं नाम तो नहीं बोले बच्चे। क्या बोले आपको? तो एक बाइक गाड़ी बाइक ले लेके राउंड मारने टाइम उसके पैर पे चढ़ाया ग्राउंड पे। अच्छा अचानक बेटा मेरा क्या किया उसको धक्का दिया मोहम्मद नवाज, तो मेरे को धक्का देता क्या बोल के वो मुक्का मारा।
मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आज इवनिंग आया। सर जहाँ पर हुआ ये हादसा वहाँ पर कुछ कैमरे वगैरह है? आप ये कैमरे में तो स्टेशन में देखा मैंने, और कैमरे तो चार कैमरे है तो अभी दो नहीं दिखाए मेरे को। ये कैमरे में तो एक लड़का एक को मार रहा था वो तो देखा, लेकिन वहाँ मेरा बेटा नहीं था, बाजू का कैमरा नहीं नजर आ रहा। लड़ाई के बाद आपका बेटा कहाँ था, कुछ कैमरे में दिखा? वो कैमरे में नहीं दिखा, लेकिन एक लड़का एक लड़के को मार रहा था। और मजीद कैमरे है जो, और तीन कैमरे होते नहीं देखे, और तीन नहीं देखा। मुझे इन सब चाहिए, खड़े खड़े गिरा क्या उसको मार के गिरा है, और मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो और एफआईआर तो कराऊं। नहीं मैं चार बज गए थे ना, वो कैमरा तो देखा, इमीडिएट एफआईआर करा के नीचे उतर गया, तो 10 बजे मेरे को पोस्टमार्टम हुआ। कैमरा आपको देखना चाहिए कि आप सच्चाई तक पहुंचे। मुझे सच्चाई तो मैं जानना चाहता हूँ ना, हट्टा कट्टा मेरा लड़का। ये जो आपके प्रेशर डाल रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर लो ये कर दी, वो लोग कौन थे? नहीं मोहल्ले वाले क्या बोल रहे थे, काटा कुटी मत कराओ। क्यों काटा कुटी कराते, क्यों एफआईआर कराते? पोस्टमार्टम मतलब काटा कुटी, वो लैंग्वेज बता रहा हूँ, पोस्टमार्टम कहीं को बच्चा यंग है ना बोल रहे थे। आपके बेटे यहाँ पर किसके पास रहते थे? हमारे साडू के पास बशीर अहमद के साथ।